आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थ्री फेज लाइन के लिए कितने ओवरलोड रिले प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। थ्री फेज लाइन के लिए 3 ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूपीएस का अर्थ है, यूपीएस का क्या अर्थ है? ये दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा ऑप्शन ए में बोला गया है अपर पावर सिस्टम, ऑप्शन बी में बोला गया है अंडर पावर सिस्टम, ऑप्शन सी में बोला गया इन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई और ऑप्शन डी में बोला गया है यूनिक पावर सप्लाई। यूपीएस का अर्थ होता है इन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आज का हमारा ये तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यूपीएस प्रणाली में सबसे अधिक विश्वसनीय प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए में बोला गया है ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली, ऑप्शन बी में ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली और ऑप्शन सी में लाइन इंटरेक्टिव प्रणाली और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। यूपीएस प्रणाली में सबसे विश्वसनीय प्रणाली ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली भी होता है और ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली भी होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का कौन सा भाग एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? यूपीएस के अंदर ऐसे कौन सा भाग होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए में बोला गया है इन्वर्टर, ऑप्शन बी में कन्वर्टर, ऑप्शन सी में रेक्टिफायर और ऑप्शन डी में स्थितिक स्विच। यूपीएस प्रणाली में जो भाग एसी को डीसी में परिवर्तित करता है उसका नाम होता है रेक्टिफायर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS परिवर्तित करती है, SMPS किस चीज़ को परिवर्तित करती है? ये प्रश्न में है, ऑप्शन ए में बोला गया है उच्च वोल्टेज डीसी को निम्न वोल्टेज डीसी में। क्या SMPS उच्च वोल्टेज डीसी को निम्न वोल्टेज डीसी में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए में बोला गया, ऑप्शन बी में बोला गया है उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में और ऑप्शन सी में बोला गया है निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में और ऑप्शन डी में बोला गया है निम्न वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई और एसएमपीएस परिवर्तित करता है निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? जो यूपीएस प्रणाली है इसमें कौन सी बैटरी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है? ये प्रश्न में है, ऑप्शन ए में बोला गया है लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन बी में निकल कैडमियम बैटरी और ऑप्शन सी में लेड कैडमियम बैटरी और ऑप्शन डी में निकल एसिड बैटरी। यूपीएस प्रणाली के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली बैटरी है उस बैटरी को हम लोग कहते हैं लेड एसिड बैटरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का उपयोग की जाती है? जो डीसी ड्राइव होता है उसमें कौन सी युक्ति का, मतलब कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी में डायक, ऑप्शन सी में थायरिस्टर और ऑप्शन डी में बोला गया है डायोड। डीसी ड्राइव में मुख्यतः थायरिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयुक्त की जाती है, जो हार्मोनिक पावर सप्लाई है ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? इस ये प्रश्न में है, ऑप्शन ए में बोला गया है रीजनरेटिव डीसी ड्राइव में, बी में बोला गया है एसी ड्राइव में,
सी में बोला गया है नॉन रिजनरेटिव डीसी ड्राइव, और डी में बोला गया है उपरोक्त सभी। हार्मोनिक पावर सप्लाई पर युक्त एसी ड्राइव में की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एसी ड्राइव में हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? जो एसी ड्राइव है इसका प्रयोग कौन सी मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ये आज का हमारा प्रश्न है। ऑप्शंस ए में बोला गया है प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी में बोला गया है तुल्यकालिक मोटर मतलब सिंक्रोनस मोटर, और ऑप्शन सी में बोला गया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। एसी ड्राइव का प्रयोग हम लोग इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने में भी कर सकते हैं और सिंक्रोनस मोटर के स्पीड को भी कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो सी में ए और बी दोनों होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, ये प्रश्न में ऑप्शन ए में बोला गया है 2, ऑप्शन बी में बोला गया है 3, ऑप्शन सी में बोला गया है 4, और ऑप्शन डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। एससीआर में मुख्यतः 3 पीएन जंक्शन होते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है, जो रीजनरेटिव डीसी ड्राइव है वो किसको कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए में बोला गया है मोटर की घूर्णन दिशा को, मतलब मोटर एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा या फिर क्लॉक वाइज घूमेगा इसको, या फिर बी मोटर के बलाघूर्ण को, और ऑप्शन सी में बोला गया है मोटर की गति को, और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव कंट्रोल मुख्यतः मोटर की घूर्णन गति को भी कर सकता है, मोटर की बलाघूर्ण को भी कर सकता है, और मोटर की घूर्णन दिशा को भी कर सकता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FET मतलब पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तथा MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में 3 समापक सिरे के नाम हैं। जो FET तथा MOSFET में 3 टर्मिनल होते हैं, इन तीनों टर्मिनल का क्या नाम है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया एमिटर बेस वो कलेक्टर, ऑप्शन बी में सोर्स गेट वो ड्रेन, और ऑप्शन सी में एनोड गेट वो कलेक्टर, और ऑप्शन डी में बोला गया MT1 गेट और वो MT2। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो या MOSFET हो, इन दोनों में 3 टर्मिनल होते हैं और इन तीनों टर्मिनल का नाम दोनों में सेम ही है, सोर्स गेट वो ड्रेन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGBT की धारा वाहन क्षमता डैश तक होती है। जो IGBT है इसमें करंट कैरिंग क्षमता कितनी तक होती है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है 100 से 1 एम्पियर, और ऑप्शन बी में बोला गया है 1 से 10 एम्पियर, और ऑप्शन सी में बोला गया है 10 से 15 एम्पियर, और ऑप्शन डी में बोला गया है 100 से 1000 एम्पियर। IGBT के करंट कैरिंग क्षमता 10 एम्पियर से 15 एम्पियर तक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 एम्पियर से 15 एम्पियर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकता है? यहाँ पे ऐसे कौन सा डिवाइस है जो स्विच की तरह कार्य नहीं कर सकता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है डायोड, ऑप्शन बी में बोला गया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी में ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन डी में IC। अगर इन चारों ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे डायोड को तो हम लोग स्विच की भांति एज ए स्विच के तरह यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को भी हम लोग स्विच की भांति यूज कर सकते हैं, बट
ये जो ट्रांसफार्मर है ऑप्शन नंबर सी में, इसे हम स्विच के भांति उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो कौन सी युक्ति है जिसका प्रयोग हम लोग स्विच के भांति नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांसफार्मर ही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, चित्र में किसका ब्लॉक आरेख दर्शाया गया। यहाँ पे एक डायग्राम को दर्शाया गया है और डायग्राम में पूछा है ये डायग्राम किसका है। ऑप्शन ए में स्विच मोड शक्ति आपूर्ति, ऑप्शन बी में अबाधित शक्ति आपूर्ति, ऑप्शन सी में पावर ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इस चित्र को हम लोग ध्यान से देखें तो हम पाएंगे सबसे पहले एसी मेंस पावर जो सबसे राइट साइड में वो कनेक्ट हो रहा रेक्टिफायर प्लस चार्जर, उसके नीचे है बैटरी, उसके बाद इन्वर्टर, फिर है स्टेटिक बाईपास स्विच और लास्ट में है लोड। ये जो पूरा डायग्राम हम देख रहे हैं ये डायग्राम को हम लोग बोलते हैं अबाधित शक्ति आपूर्ति, मतलब ये एक इन्वर्टर का सिंबल है या इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं। ये जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है ये इन्वर्टर का ही ब्लॉक डायग्राम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी।